तो सबसे पहले मेरे सारे भाई कैसे हैं, उम्मीद करता हूँ सारे बड़े होंगे। और एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर बता दो भाई कैसे हो, बिकॉज तुम्हारे हाल चाल जानकर तुम्हारे भाई को बहुत मज़ा आ जाता है जब तुम लिखते हो भाई बढ़िया, उदम, औसम, नाइस, चौकस, तो भाई मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो ये सब जो है कमेंट के अंदर लिख देना भाई अपने क्या हाल चाल है। एंड तो भाई भी हम बात करते हैं अपने गेम की। तो अभी तुम्हारा भाई खेल रहा आज एक न्यू हॉरर गेम, एंड ये वाला गेम बहुत ही ज़्यादा बढ़िया एंड चौचक लग रहा है मेरे को, मैंने खेल के देखा, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हॉरर गेम है। और अभी तक अगर तुम नहीं समझो ये कौन सा गेम है, बहुत सारे बंदे समझ गए होंगे, अगर समझ गए हो तो भाई कमेंट बॉक्स के अंदर बता देना। अगर अब भी तुम नहीं समझ पा रहे हो तो इस गेम का नाम है दी आइज। एंड भाई अगर तुम्हें इस गेम के बारे में नहीं पता एंड तुम हॉरर गेम खेलते हो और इस गेम के बारे में नहीं पता तो यार यार क्या ही गुंडा बनोगे यार तुम। इतने खतरनाक हॉरर गेम के बारे में तुम्हें नहीं पता एंड तुम हॉरर गेम खेलते हो तो यार बड़ी दिक्कत वाली बात है। लेकिन अभी तुम्हें पता चल गया होगा इस गेम का नाम है दी आइज एंड बहुत ही ज़्यादा बढ़िया प्यारा बेहतरीन हॉरर गेम है। और इस गेम के जो सब में ज़्यादा खतरनाक चीज़ लगती है इस गेम का साउंड, जो इस गेम के अंदर जो कैरेक्टर है वो कैरेक्टर इतना ज़्यादा मुझे खतरनाक नहीं लगता अगर हम उसे इजी नॉर्मल मोड पे खेलें, लेकिन इस गेम के जो साउंड है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक मेरे को लगते हैं भाई। ये गेम के साउंड जो है ना बहुत ज़्यादा खतरनाक लगते हैं। तो इसके अंदर एक अजीब सही म्यूज़िक सुनाई देता है, ऊपर से भाई ये जो बंदा हमारा मेन करेक्टर है इसकी भाई सांसों की आवाज़ है भाई खड़ खड़ उस घोस्ट के पास आने की, वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लगती है मेरे को। तो अभी मैं तुम्हें इस गेम का कॉन्सेप्ट बता दूँ, इस गेम के अंदर अपन लोगों को करना क्या है। तो बेसिकली इस गेम के अंदर है 20 तरीके की पोटली होती है, ये वाली देखो जो मैंने अभी कलेक्ट करी है, ये मुझे 20 पोटली कलेक्ट करनी है। और भाई टीवी के अंदर क्या खसर खसर चल रही है, तो हम अपने को ये 20 पोटली कलेक्ट करनी है। कलेक्ट करने के बाद करना है हमें इस गेम से एस्केप, ठीक है समझ रहे हो। 20 पोटली इकट्ठी करने के बाद हम एस्केप कर सकते हैं इस गेम से, जब तक 20 पोटली इकट्ठी नहीं होती हम एस्केप नहीं कर पाएंगे भाई, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत वाली बात है। और अभी देखो भाई हमें इस गेम के अंदर आइज मिलती रहती है, और इस आइज से होता क्या, इस आइज से पता चलता है कि इस वक्त जो मेन कैरेक्टर है जो मतलब जो घोस्ट है वो इस वक्त वो कहाँ पर है। अभी देखो भाई घोस्ट मेरे पीछे लग गया, रन का ऑप्शन आ रहा था एंड तीन बिल्डिंग है इसके अंदर, तीन फ्लोर हैं और उसका सब में भाई हमें ढूंढना पड़ेगा। वो देखो अरे ये क्या भाई, ये कौन सा ये एक नई तरीके की जगह आ गई। ओके भाई ये पोर्टली, तो हमें भाई बहुत सारी पोर्टलीज इकट्ठी करनी है। और भाई एक बात है, अगर तुम्हें कोई न्यू हॉरर गेम के बारे में अगर तुम्हें पता तो यार प्लीज़ से मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर बता देना, ताकि भाई मैं भी न्यू हॉरर गेम को और ज़्यादा हॉरर गेम को एक्सप्लोर कर सकूँ, तो तुम प्लीज़ यार मुझे बता देना। एंड अगर तुमने ये वाला गेम नहीं खेला तो एक बार से ट्राई करके देख लेना। ओके भाई वो बंदा जो घोस्ट वो नीचे है, ठीक है अभी मेरे को पोर्टलीज इकट्ठी करनी है, वो घोस्ट अभी नीचे है, तो मुझे यही मौका है इस वाली पूरी बिल्डिंग को छान मचालने का। तो यार यहाँ पे कुछ भी नहीं मिल रहा है। ओके भाई वाले, ओके ये भाई टॉयलेट है, इतना तो भाई अपन लोग समझ गए, ये एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक विला है समझ लो, ये एक विला है जिसके अंदर अभी हम फिलहाल बंद है। तो ये विला, विला के अंदर हमें सारी पोर्टलीज इकट्ठी करनी है एंड लास्ट में एस्केप करना। तो यार जल्दी से, ये भाई कैसे चुरर से आवाज हुई है, ऊपर से चिंगारियाँ सी गई हैं भाई, इलेक्ट्रिसिटी का भी शॉर्ट सर्किट सा हो रहा है इसके अंदर बहुत ज़्यादा। ओह भाई इसके अंदर एक साथ दो दो पोटली मिल गई बहुत सी है, एंड हमें उस वाले गोश्त से बचते बचाते निकलना पड़ेगा यहाँ से। एंड लगता है भाई वो गोश्त यहीं पर ही आ गया है, वो गोश्त यहीं पर ही है। एंड अभी अपने को जो ना थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा उस गोश्त का यहाँ से भागने का, तभी भाई कुछ हो सकता है। अगर भाई हम ऐसे बाहर निकल गए ना उस गोश्त के सामने तो वो पकड़ लेगा और धप्पा लगा देगा हमारे ऊपर, और मैं नहीं चाहता कि वो हमारे ऊपर धप्पा लगाए कैसी भी, तो हमें वेट करना पड़ेगा। एंड अभी मेरे को लगता है भाई वो चला गया, हाँ भाई यहाँ से चला गया वो, बहुत बढ़िया। एंड अभी अपन जो है नीचे सब में नीचे जाएंगे भाई तहखाने में, बेसमेंट से में, एंड वो मुझे बहुत ज़्यादा बेकार लगता है भाई बहुत बढ़िया से, बिकॉज यहाँ तो कमरे हैं, कमरे के अंदर जाकर हम ढूंढ लेते हैं, लेकिन यार यहाँ बेसमेंट में या नीचे भाई तहखाने में कोई भी कमरा वमरा नहीं है, बहुत बढ़िया सी होती है पूरी। एंड यहाँ पर अपने को पोर्टली ढूंढनी पड़ेंगी, तो जल्दी से ढूंढते हो या भाई एक मिल गई बहुत ज़्यादा ईजिली। एंड अभी अपने को मेरे हिसाब से भाई अपन लोगों को ना डिफ़िकल्टी भी बढ़ा देनी चाहिए इस गेम की, अभी तो भाई हम इजी पे खेल रहे हैं भाई डिफ़िकल्टी बढ़ा देंगे, बिकॉज भाई अभी पहली बार खेल रहे हैं, थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करना पड़ता है गेम को, गेम का माहौल क्या है, कैसा क्या सीन है, रास्ते वास्ते सारी चीज़ें। एंड उसके बाद अपन लोग जो है हार्ड करेंगे इसकी डिफ़िकल्टी हार्ड करेंगे। एंड भाई मेरा एक और चैनल है एंटोर ओपी करके, ठीक है भाई एंटोर ओपी करके, एंड भाई प्लीज़ से उसको भी एक बार से सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट वो उसके क्या कह रहा हूँ भाई डिस्क्रिप्शन के नीचे कमेंट कर दिया, डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा तुम्हें मेरे उस वाले चैनल का, तो उसे भी जा करके सब्सक्राइब कर लेना, थोड़े बहुत सपोर्ट दिखा देना भाई, बिल्कुल टॉप में होगा वो, डिस्क्रिप्शन के टॉप में होगा उसका लिंक, तो उसे जो क्लिक कर लेना। एंड तो भाई अभी देखते हैं भाई अपने पास हो गई है पूरी कितनी भाई 18 हो गई है। एंड भाई वो कैरेक्टर आ गया, वो कैरेक्टर अभी इस टाइम मेरे पास है आई से देखो, यस भाई वो बाहर ही खड़ा मेरा वेट कर रहा है भाई, बाहर ही है वो बंदा अभी। यहाँ पर मैं देखता हूँ यहाँ पर कुछ भी नहीं है यार, अभी मुझे थोड़ा सा फिर से एक बार वेट करना पड़ेगा, वेट तो करना पड़ेगा। ओके वो बंदा ऊपर जा रहा है, ठीक है बढ़िया अच्छी बहुत अच्छी बात है वो ऊपर जा रहा है। तो अभी देखो भाई ये वाली पोटली मुझे यहाँ रखी मिल गई ना, अभी अपने पास 19 हो चुकी हैं, अभी बस अपने को एक और चाहिए एंड खेल ख़त्म भाई,
एक और मिल जाएगी, उसके बाद अपन बहुत ज़्यादा इजीली अच्छे से एस्केप कर पाएंगे। तो अभी यार एक पोटली को ढूंढने के लिए भाई मैं सोच रहा हूँ ऊपर जाऊँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ क्या पता भाई एक पोटली मुझे नहीं रखो मिल जाए भाई, मैं बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ इस चीज़ को लेकर के। अभी अपन ऊपर जाए क्या नीचे जाए, क्या वो यहीं मिल जाएगी ऊपर मिलेगी, तो मैं लास्ट में डिसाइड करता हूँ यार मुझे यहीं कहीं मिल जाएगी। मेरे हिसाब से मिलनी तो चाहिए भाई, यहीं कहीं मिलनी तो चाहिए, तो मैं अभी उसे यहीं पर ही ढूंढने की कोशिश करता हूँ। एक सेकंड भाई मुझे कुछ रखा हुआ नहीं, ठीक है भाई कुछ नहीं है, ओके ओके। तो यार कहीं ना कहीं एक पोटली मेरे हिसाब से होनी तो चाहिए यहाँ पर, यार नहीं दिख रही मेरे को यार, कहीं भी नहीं दिख रही, मुझे ऊपर ही जाना पड़ेगा लगता है। ये सामने भाई एक डोर है, उसके पीछे होंगी दो तीन, लेकिन यार उसकी की नहीं है मेरे पास, की चाहिए रहती है की नहीं है। ओके देखो भाई यहाँ पे है, ये भाई मिल गई एंड अपने पास हो गई है, एंड फाइंड द एग्जिट एंड एस्केप। तो भाई हमें एक एग्जिट डोर ढूंढना एंड एस्केप करना है गेम में से। वो मुझे पता है भाई एग्जिट डोर कहाँ पर है, वो तो वो फर्स्ट फ्लोर पे है जहाँ से अपना गेम शुरू हुआ था, वो उसी फ्लोर पे एग्जिट डोर। तो सबसे पहले अपन लोग ऊपर जाते हैं एंड ऊपर जाने के बाद जो है एस्केप मार देते हैं जल्दी से, इससे पहले वो घोस्ट आए और वो कुछ भाई हमारे साथ कुछ ज़बरदस्ती छेड़छाड़ करे और हमें भाई पकड़ ले और हमारा गेम बजा दे, इससे पहले भाई भागते हैं। एंड देखो ये रहा भाई एग्जिट डोर, एंड अपन एग्जिट पर पहुँचे और इसके भाई मज़ा आया।